26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष का विरोध इस बात का नहीं है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, बल्कि इस बात का है कि भ्रष्टाचारियों को तैयारी का मौका नहीं मिला। पीएम ने कहा कि हर किसी को अपने पैसे के उपयोग का हक है, पूरा देश काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। कितना बड़ा अहम कदम उठाया, और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश है, निर्णय बहुत बड़ा है, देश का उज्जवल भविष्य देखने वालों से इतनी ही अपेक्षा है कि आइए हम सब मिलकर के सामान्य मानवीय की कठिनाइयों को दूर करें, इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्व के नाम सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें। सारा देश, दुनिया जब सर्वे होता है कि भ्रष्टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है, और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों का अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्त करनी होती है। और मैं निमंत्रण देता हूं सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, मीडिया को। दूसरा, डिजिटल करेंसी, हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है, आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो, आपके पाई पाई पर आपका हक है। मैं इस माध्यम से जब संविधान की चर्चा हो रही है, संविधान इन व्यवस्थाओं का भी रक्षक है, मैं देशवासियों से और खास करके समाज का नेतृत्व करने वाले हर वर्ग से, मैं मीडिया से आग्रह करता हूं, जिस देश के पास 65% नौजवान हो, 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हो, जिस देश में अब टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो, तो हम क्यों ना लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब आज हम व्हाट्सएप कहां सीखने गए थे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के, आईटी कॉलेज में जाकर के, अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहें तो इस काम को कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी, 8 नवंबर के इस निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम का फायदा किसने उठाया? मैंने कल हिसाब लिया कुछ नगरपालिका महानगरपालिकाओं का, बहुत कम, इन्हीं की नहीं, नगरपालिका महानगरपालिका कोई 40-50 का मुझे बताया गया। पहले 3,350 करोड़ टैक्स आता था, 8 नवंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गए। ये पैसा किसके काम आएगा?
उस गांव के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी, कहीं पानी के नल लगेंगे, एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है।